हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम लाए हैं आपके लिए टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, इंडिया में 5G की एंट्री से लेकर गूगल की पिक्सल सीरीज तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या हुआ नया। भारत के सबसे बड़े टेक इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने लॉन्च किया 5G। इस इवेंट में एयरटेल, क्वालकॉम, TCS, लावा और टाटा कम्युनिकेशंस जैसे कई बड़े ब्रांड्स देखने को मिले। इस इवेंट में फोकस रहा 5G पर और कैसे 5G टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर भारत के विकास में काम आएगा। इसमें एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज, एग्रीकल्चर, मेटावर्स और हेल्थ केयर जैसे एरियाज पर फोकस किया गया। इसके अलावा IMC में एक यूनिक 5G रोबोट भी देखने को मिला। TCS का ये रोबोट हर उस जगह भेजा जा सकता है जहां इंसान की जान को खतरा हो सकता है। ये रोबोट यूजर के एक्शंस को VR गॉगल और कंट्रोलर्स के थ्रू मिमिक भी कर सकता है और दुनिया में कहीं से भी 5G के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। ट्विटर ने लॉन्च किया एक नया फीचर जिससे अब एंड्रॉइड और iOS यूजर्स मिक्स्ड मीडिया ट्वीट कर सकेंगे, यानी एक ही ट्वीट में जिफ, फोटो और वीडियो को साथ में पोस्ट कर पाएंगे। पहले सिर्फ या तो वीडियो या इमेज या जिफ पोस्ट किए जा सकते थे। WhatsApp पर व्यू वंस मैसेजेस के लिए जल्द ब्लॉक होंगे स्क्रीनशॉट्स। WA बीटा इन्फो के मुताबिक ये फीचर फिलहाल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया गया है। इसके आने के बाद व्यू वंस मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लेना नामुमकिन होगा, जिससे WhatsApp पर प्रिवेसी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओप्पो ने लॉन्च किए दो नए स्मार्टफोन्स, ओप्पो 77S और A17। दोनों में यूजर्स को 6.5 इंच स्क्रीन, 5000 mAh की बैटरी और AI ड्यूअल रियर कैमरा विद 50 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस मिलेगा। A77S स्नैपड्रैगन 684G SoC से लैस है, वहीं A17 MediaTek Helio G35 पर रन करता है। बजट स्मार्टफोन्स की रेंज में लॉन्च हुआ सैमसंग का गैलेक्सी A04S। इसमें है 6.5 इंच स्क्रीन, 90Hz रिफ्रेश रेट और एक्सिनॉस 850 SoC। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप विद 50MP प्राइमरी लेंस और 5MP फ्रंट कैम भी मिलेगा। साथ ही ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी से लैस भी है। गूगल ने भारत में लॉन्च की अपनी पिक्सल 7 सीरीज, जिसमें है गूगल पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो। गूगल टेंसर G2 चिपसेट से लैस ये दोनों स्मार्टफोन्स मेड बाय गूगल इवेंट में लॉन्च किए गए। पिक्सल 7 में 6.3 इंच FHD+ डिस्प्ले है, वहीं पिक्सल 7 प्रो में 6.7 इंच डिस्प्ले है। कैमरा की बात करें तो पिक्सल 7 में ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है, वहीं पिक्सल 7 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप्स की रेंज में लॉन्च हुआ गीगाबाइट G5। इंटेल 11th जेन i5H सीरीज प्रोसेसर से लैस इस लैपटॉप में है 15.6 इंच स्क्रीन और 144Hz रिफ्रेश रेट, जो गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है। साथ ही इसमें गीगाबाइट की विंड फोर्स कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है, जो हेवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग में लैपटॉप को स्टेबल रखने में मदद करती है। Redmi ने अफोर्डेबल रेंज में प्रीमियम लुक देने वाला टैब किया लॉन्च। Redmi Pad 10.61 इंच डिस्प्ले और 2K रेजोल्यूशन से लैस है, वहीं ये MediaTek Helio G99 प्रोसेसर पर रन करता है। साथ ही इसमें 8000 mAh की बैटरी भी है। OnePlus ने अपनी पहली स्मार्ट वॉच OnePlus Nord Watch की भारत में लॉन्च। 1.78 इंच डिस्प्ले, 100+ वॉच फेसेस और 60Hz रिफ्रेश रेट वाली ये स्मार्ट वॉच कंपनी के मुताबिक सिंगल चार्ज में 10 दिन की बैटरी देती है। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।